दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में सुल्फीटेक 100 mg टेबलेट के बारे में। भाई क्या है, कहाँ दी जाती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, इसकी सावधानी क्या है, सब कुछ जानेंगे। सो देखिएगा, देखिए सुल्फीटेक 100 mg टेबलेट एक ब्रांड नेम है सनफार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बड़े लोगों में दी जाती है, हर फार्मास्यूटिकल दुकान पर, हर मेडिकल दवाई की दुकान पर मिल जाती है, काफी फेमस दवाई है। बात करते हैं भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों इसके अंदर आता है एमी सुल्फ्राइड 100 mg। ये इसकी जो फिरनिया की प्रॉब्लम में दिया जाता है। इसकी जो फिरनिया के बारे में बात करें तो दोस्तों एक मानसिक रोग होता है जो 1% लोगों में पाया जाता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 1% लोगों में होता है। एक्चुअली होता है क्या कि इस प्रॉब्लम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है कि उसको कोई मार रहा है, अजीबोगरीब डर सा रहता है दिल में, उसको अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। तो ये लक्षण होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं ले पाता व्यक्ति पूरा, गलत विचार दिमाग में आते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, व्यवहार में चेंज आता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, दुनिया से अलग रहता है, ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो व्यवहार चेंज हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। सोच नहीं सकते कि ऊपर ये ज़्यादा दिक्कत आती है। वैसे ठीक होने वाला रोग होता है, एक्चुअली दिक्कत ये है कि पता भी नहीं चलता इसको स्किज़ोफ्रेनिया आ गया, खुद को पता नहीं चलता, डॉक्टर ही बताता है सिम्टम देख के। और भी कुछ अलग सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ट्रीटमेंट अच्छा ले, दवाई टाइम पर ले तो ठीक हो सकता है। बात करें भाई ये काम किस तरह से करती है स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम में, तो दोस्तों कई बार बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे सिग्नल्स आते हैं, ऐसे रसायन पैदा हो जाते हैं जो दिमाग की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर उन सिग्नल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ थॉट प्रोसेस को ये चेंज करती है। ये दिमाग में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी चल रही होती है जिससे कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, ठीक है, जिससे कि व्यक्ति का थॉट प्रोसेस चेंज होता है और वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, तो दिमाग पर काम करती है। बात करें इसकी डोज के बारे में, तो बॉडी वेट के हिसाब से इसकी जो फिरनिया कितनी पुराना है, कितना नया है, कितनी दिक्कत है, क्या क्या इसके खतरनाक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब कुछ उस पर देखा जाता है। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। नॉर्मल डोज की बात करूं तो रात को एक टेबलेट ली जाती है 100 mg की, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। दोस्तों ये 50 mg से लेकर 400 mg तक दवाई की दुकान पर मिलती है, बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। बात करें भाई इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हो सकते हैं एलोपैथी मेडिसिन है, जैसे कि सर दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकता है, पेट में दर्द वगैरह, गैस बनना या जी घबराना, ये हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी में नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं। सावधानी बस यही है, डॉक्टर की सलाह से लेना है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है या ब्रेस्ट फीडिंग में है तो डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों गाड़ी चलाते समय भी और एल्कोहल के साथ भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, गाड़ी चलाते समय अचानक नींद आ सकती है अगर आप डोज ले रखे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था संपूर्ण रिव्यू, वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कुछ भी समझिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं वीडियो में।